क्या ऐसा सिंह बड़े अच्छे लगते शो का हिस्सा बनने वाली हैं, मतलब शो के सीजन 3 का हिस्सा, जो भी होगा जरूर पता चलेगा आने वाले वक्त में। शो के सीजन 3 की बात कर रहे हैं, जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता होगा शो का सीजन 1 सुपर डुपर हिट गया था। साक्षी तंवर राम कपूर की जोड़ी देखने को मिली थी रामप्रिया के कैरेक्टर में। सीजन 2 की बात करें तो यहाँ पर दिशा परमार नकुल मेहता की जोड़ी देखने को मिली और सीजन 3 को लेकर लोग एक्साइटेड हैं। हालांकि सीजन 2 के अंदर ही लीप आया था जहाँ पर आपको रणदीप राय और निकी टेलर की जोड़ी देखने को मिली, लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई जोड़ी। कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही एपिसोड्स के बाद ही शो को, यहाँ पर उस जोड़ी को हटा दिया गया था, एग्जिट कराई गई उनकी, और उसके बाद अगेन रामप्रिया देखने को मिले आपको, यानी कि यहाँ पर नकुल और दिशा एक बार फिर से उनकी एंट्री कराई जाती है। सीजन 3 को लेकर लोग एक्साइटेड हैं। सीजन 3 में एक बार उम्मीद करी जा रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से नए चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, एकता कपूर जितने भी शो के अपने पॉपुलर शो के सीजन 2 लेकर आती हैं या सीजन 3 लेकर आती हैं तो वहाँ पर नए चेहरे को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। यही वजह है कि सीजन 3 में नए चेहरों की ही उम्मीद करी जा रही है, जहाँ पर आयशा सिंह का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, आयशा सिंह जो है एकता कपूर के न्यू प्रोजेक्ट में नज़र आने वाली हैं, इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। बहुत ज़ोरों शोरों से खबरें चारों तरफ से चल रही हैं कि आयशा सिंह एकता कपूर के न्यू प्रोजेक्ट में नज़र आ सकती हैं। तो यही वजह है कि नागिन सीजन 7 को लेकर भी उनके नाम की चर्चा चल रही है, जहाँ पर ये भी बातें सामने आई थी लुक टेस्ट वगैरह दे चुकी हैं, हालांकि अभी फाइनलाइज वो जरूर नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बड़े अच्छे लगते शो का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि शो का सीजन 3 भी बहुत जल्द वो क्रिएट कर सकती हैं, तो जहां पर आयशा सिंह नजर आ सकती हैं एज अ प्रिया। सो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, और अगर वो नजर आती हैं तो उनके अपोजिट कौन नजर आएगा, और यहां पर कुछ लव ट्रायंगल बेस्ड बनाने वाली हैं एकता कपूर, या फिर सिंपल लव स्टोरी दिखाएंगी। जो भी होगा एक्साइटमेंट से भरा होने वाला है। आयशा सिंह को लेकर फैंस वैसे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लंबे टाइम से डिमांड कर रहे हैं और अभी तक देखने को नहीं मिली है वो किसी भी प्रोजेक्ट में। सो एक्साइटमेंट आप लोग अपनी बरकरार रखें, डेफिनेटली यहाँ पर चांसेस हैं कि वो नज़र आ सकती हैं। हालांकि फैंस जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं नागिन सीजन 7 के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से डिफरेंट कैरेक्टर होगा नागिन सीजन 7 का, एक बोल्ड अंदाज नज़र आता है वहाँ पर जितनी भी एक्ट्रेसेस नज़र आई हैं, उसके बाद से उनकी करियर में एक अलग ही चाम आया है। सो देखते हैं क्या कुछ होता है, कमेंट करके एक्साइटमेंट आप लोग बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।